तोता राम ने दिखाया था बूथ कैप्चरिंग का हुनर, लेकिन कार्रवाई में नप गया कनर। नौ पुलिस वालों पर भी आफत आई, तोता राम पर आज तक नहीं आई। तोता राम कब जाएंगे जेल? एक कहावत है, करे कोई और भरे कोई। पैकफिट चेयरमैन और दर्जा प्राप्त मंत्री तोताराम पर आरोप लगे हैं बूथ कैप्चरिंग के। एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन ये तोताराम का ही तिलिस्म है कि गनर से लेकर अधिकारियों तक सब पर तलवार चल गई, लेकिन तोताराम के तोते नहीं उड़े। तोताराम ने दिखाया था बूथ कैप्चरिंग का हुनर, लेकिन कार्रवाई में नप गया गनर। नौ पुलिस वालों पर भी आफत आई, तोताराम पर आज तक नहीं आई। तोताराम कब जाएंगे जेल? दरअसल बूथ कैप्चरिंग मामले में तोताराम के गनर और नौ पुलिसकर्मियों समेत 13 लोगों को सस्पेंड किया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट को विशेष प्रतिकूल नोटिस दिया गया, लेकिन तोताराम को आराम ही आराम है। पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का तिलिस्म दिखा चुके तोताराम का तेज अब तो और तेज होता जा रहा है लगातार, क्योंकि कार्रवाई की तमाम तलवारें भौथरी पड़ गई तोताराम के भौकाल के आगे। तोताराम पर तो आंच तक नहीं आई, लेकिन कार्रवाई की कड़ी में गनर सतीश के अलावा नौ पुलिसकर्मियों की आफत आ गई। इधर एक पीठासीन अधिकारी सहित कई और कर्मचारियों पर भी गिरी है गाज, बाकी पर जांच की जिल्द चढ़ी है। हमने आपसे इसका उत्तर दे दिया है कि ये आईओ की जांच करेंगे, जो नियम संगत कानून संगत होगा कानून अपनी जगह कार्रवाई करेगा। बूथ कैप्चरिंग की कहानी में तो मुख्य किरदार निभाते दिखे हैं तोताराम, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि साइड के सभी किरदारों पर तो कार्रवाई का कौड़ा चल गया, लेकिन तोताराम सत्ता की सफेदी में पाक साफ है। लेकिन ये जनता है, सब जानती है। उसको तोताराम को सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए ना, गनर का सस्पेंड करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। कार्रवाई होनी चाहिए दर्जा प्राप्त मंत्री तोताराम जी के ऊपर। लेकिन तोताराम जी मुख्य आरोपी हैं, उन पे ही कार्रवाई हम करने की मांग करते हैं। ये तो जानबूझ के उनके गनर पे कार्रवाई की गई, क्योंकि तोताराम जी को बचाया गया। बहरहाल 13 अक्टूबर को बेवर ब्लॉक में पैक्स फेड के चेयरमैन तोताराम ने बूथ नंबर 128 पर दिखाया था अपना हुनर, लेकिन कार्रवाई की कड़ी में नप गए पुलिस वाले और गनर। अब सवाल यह है कि तोताराम पर मेहरबानी का मतलब क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो नौ पुलिसकर्मी और साथी तोताराम का गनर सतीश और पीठासीन अधिकारी समेत कई कर्मचारियों पर गाज गिरी है, लेकिन नहीं गाज गिरी है तो सिर्फ तोताराम पर। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्यों तोताराम पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है क्यों गना और दूसरे पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, जबकि वीडियो में तोताराम भी नजर आ रहे हैं, उन पर गाज नहीं गिरी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आखिर क्यों खुलेआम घूम रहे हैं तोताराम? आखिर तोताराम कब जाएंगे जेल? तो इन सभी सवालों के साथ तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक जुड़ चुके हैं, इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन साहब और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन साहब, सब पर कार्रवाई तो फिर आखिर मौज क्यों काट रहे हैं तोताराम? देखिए, कहते हैं जांच चल रही है और जो वीडियो में जिस तरीके से दिखाया गया है, और तोताराम जी ने जो अपनी बात रखी है सफाई में कि मैं वहां नहीं था, हमसे मिलता जुलता आदमी था, मैं इस तरह पैंट नहीं पहनता, इस तरह घड़ी नहीं पहनता, इस तरह कुर्ता नहीं पहनता, तो जांच में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और एक चीज है कि वहां पे एक लड़के ने जो कि वहां पे जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा था, उसने फोन करके सीओ को धमकाया था कि तुम्हारी हिम्मत हो तो आ जाओ। जब गनर सतीश पर गाज गिराई, जो कि गनर है तोताराम का, तो फिर तोताराम कैसे पाक साफ हो सकते हैं? गनर तो उनके साथ ही रहता होगा ना। कि अगर वही मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आप देखिए, वो जिला पंचायत अध्यक्ष का लड़का था और जो जिला पंचायत अध्यक्ष की दोबारा तैयारी में है, साथ में है कि उनके कोई रिश्तेदार है जो कि विधायक भी है, उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई हुई।
और आप एक चीज जानिए कि सिन्हा जी आधे घंटे का प्रोग्राम है यार, फॉर्मेट तय करिए क्योंकि तोता की कहानियां अनंत है और तोता राम को आप जानते भी कायदे से फॉर्मेट पे चर्चा करनी है उतने तरीके से गए थे जैन साहब, उनका बिल्कुल हम सकल था जैन साहब, उसके बाद में पता चला कि वो जैन साहब जैन साहब सारी बातें ठीक है। मूल प्रश्न जिस पर बहस होनी चाहिए उतने तक सब लोग रहे, सुरेंद्र जी भी, विजय भाई भी, आप भी, मेरा निवेदन ये है बहुत विनम्रता से। नहीं, मैंने यार सुन तो लो भाई, बात तो सुन लो, विषय तो समझ लो, मैं विषय क्यों लेके आया, सिर्फ उतने तक रहेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भटकर नहीं हूं, सिर्फ इतना विषय है। तोताराम के मामले में मुख्य अभियुक्त तोताराम FIR लिखाई आरोपी ने आयोग के कहने पर, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं, चुनाव के दौरान कलेक्टर आरोप हो जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक, रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट लिखाई, उसमें मुख्य अभियुक्त है तोता, ठीक, तोता राम के आसपास वाले बर्खास्त हो गए, मुकदमा चल गया, उनकी गिरफ्तारी के वारंट हो गया, सब काम हो गया, तोता राम की जांच चल रही, बाकी जांच पूरी हो गई थी, जो बाकी लोग सस्पेंड हो गए और तोता राम की जांच चलेगी, इस विषय पर बहस हो रही, आपने अपना तथ्य रख दिया, बिना आपका तथ्य आ गया, विजय पाठक जी सवाल वही, अजय सवाल सुन लीजिए, तो गनर तो जो आपके साथ छाया की तरह रहता है, गनर को ये कहें, ये तो कहीं उसकी ड्यूटी में लिखा नहीं कि वो आपको बूथ कैप्चरिंग से रोकेगा, बूथ कैप्चरिंग करते समय तोताराम को कोई मारता तो गनर रोकता, वो किसी ने किया नहीं, वो किसी ने किया नहीं, यूपी में ऐसा पुण्य कार्य होते नहीं, तो सवाल ये है, बाकी सब नपका ये क्यों घूम रहे हैं अमिताभ जी? जी मैं इसीलिए बीच में आप जैन साहब के समय बोल रहे थे तो मैंने कहा कि आप इसका फॉर्मेट तय करिए, तोताराम की कहानियां अनंत हैं और इस विजुअल को सबसे पहले आपने दिखाया जी, जिसका उत्तर कल भी शिवपाल जी ने दिया कि वो कहते हैं हमने पजामा पहना, आप विजुअल को एक्सपेंड करके दिखा चुके हैं कि वो धोती में है, ये सारी परिस्थिति है। जो कार्रवाइयां सरकार कर रही है, गनर को कर दिया, होमगार्ड को चिट्ठी लिख दिया और जो चौकीदार उसको हटा दिया, मतलब गलती मंत्री की और सजा संतरी को, संतरी को तो सजा हो गई, मंत्री पर कोई बात नहीं होगी। तोताराम के बारे में मुझसे अधिक आप जानते हैं उनकी कारस्थानियां, वो खुद प्रत्याशी हैं, खुद प्रत्याशी होने के बावजूद गनर के साथ कैसे दिखे, चलिए हम एक मिनट मान मिले सरकार की बात, तो जो व्यक्ति खड़ा है उसके बगल में गनर भी खड़ा है, कैसे गनर पहुंच गया अंदर, क्या स्थितियां थी और जब आप बाकी और नहीं, और जब आप कैंडिडेट हो, जब आप वो उस वार्ड के चुनाव खुद लड़ रहे थे तोताराम जी, और ऐसे परिस्थितियों में जब ये सारी घटनाएं होती हैं, FIR होती है, उन पर कार्रवाई होती है, गनर के बारे में होती है, चौकीदार हटाया जाता है, तो फिर तोताराम पर जिन तथ्यों के आधार पर इन लोगों पर कार्रवाई हुई, उन्हीं तथ्यों के आधार पर तोताराम को क्यों बख्शा जाता है? ठीक बात भाई, बिल्कुल क्यों वो? जी जी आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। सुरेंद्र राजपूत जी, अभी तक शासन ने हमको ये नहीं बताया कि 9 लोग किस अपराध में दंडित किए गए, अगर अपराध वही है जो हमने दिखाया था स्टिंग ऑपरेशन में, तोताराम बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, तो फिर जो मुख्य खलनायक है वो बाहर क्यों? क्या ये किसी दूसरे मुकदमे में बंद हुए हटाए गए लोग तो हमको शासन बताता, और अगर उसी मुकदमे में हटाए गए हैं तो भैया सबके चाचा तो तोताराम है, वो कहां है? अमिताभ जी पहली चीज तो आप बधाई लें, आपके चैनल ने सबसे पहले इस चीज को ओपन किया था जिसके बाद में प्रभावी कार्रवाई हो पाई, एक बात। दूसरी बात, आप ही के चैनल पर मैं परसों 5 से 5:30 बजे तक तोताराम यादव जी के साथ में था और गायत्री भी साथ में थी, जिस प्रकार से वो बातें कर रहे थे, आरओ के खिलाफ भी नहीं जा पा रहे थे और आरओ के पक्ष में भी नहीं जा पा रहे थे, सारी की सारी चीजें ये हो रही हैं कि शासन और प्रशासन का एक मिलीभगत का खेल चल रहा है कि यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल, चेहरा देखकर नियमों की कवायद की जा रही है। आप एक बात को बड़ी स्पष्ट है, हम और आप जैसे लेमैन जब सारी चीजें समझ सकते हैं कि जिस आरोप में छोटे छोटे अधिकारियों को आप हटा चुके हैं, निलंबित कर चुके हैं, उसका जो मुख्य खलनायक है कल पैक्स फेड की मीटिंग में शिवपाल जी के साथ में बैठा हुआ, वहां पर एज ए अतिथि बैठा हुआ था, वो शख्स आपके सामने है, आपके चैनल ने भी दिखाया और सारे अखबारों ने आज के लिखा हुआ है वो।
तो यहां पर इस समय तोताराम यादव जी का प्रभाव शासन में, भाव में, प्रभाव में, प्रशासन में इस कदर दिखाई दे रहा है कि वो शख्स खुलेआम कैबिनेट मिनिस्टर के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है, इनके सर्वे सर्वा नेता के साथ है, लेकिन पुलिस की आंखों में नहीं है। और जो एफआईआर है, एफआईआर आरओ ने मुझसे कहा सामने सामने आपके चैनल पर कि एफआईआर नामजद की गई है तोताराम यादव जी के खिलाफ, एक बात। दूसरी बात, अगर तोताराम के खिलाफ एफआईआर नहीं है तो तोताराम के गवर्नर का सस्पेंड होने का कोई मतलब नहीं। मैं वही उस बूथ के सस्पेंड होने का कोई मतलब नहीं, उस बूथ के सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स के सस्पेंड होने का कोई मतलब नहीं जी। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक बात, बिल्कुल। आपने कहा, जैन साहब से दो तीन बातें मैं कहूंगा। जैन साहब, थोड़ा बारीकी से चीजों को देखो आप। जिस दिन तोताराम ने ये सब तमाम कथा बांची सत्यनारायण की कि मैं पजामा पहनता हूँ, कुर्ता पहनता हूँ, धोती पहनता हूँ, लाल रंग की धोती पहनता हूँ, सफेद रंग की घड़ी फरी, जो नॉन सीरियस बातें उन्होंने कही। उस दिन मैं कन्नौज में था, वही मुझे बताया गया कि भाई कलेक्टर ने, जो आरओ है, उसने तोताराम की मौजूदगी की पुष्टि कर दी कि ये जो आदमी आपके स्ट्रिंग में है यही तोताराम है। सर, हमारे सामने खड़ा है। एक सेकंड, नहीं, प्रश्न खत्म हो जाता है उसके बाद। फिर तो पजामा और चड्डी और बनियान का कोई मतलब ही नहीं। तोताराम किन वस्त्रों में है, इससे अपराध का क्या लेना देना भाई। किसी वस्त्र में सूसा में रहे, अपराधी ने पैंट पहनी इसलिए अपराध ज्यादा और कमी धोती पहनी तो अपराध कम, ये तो विषय नहीं बहस का। मूल प्रश्न है, मूल प्रश्न है, ये आदमी है, कलेक्टर आरओ ने इसकी पुष्टि कर दी कि हाँ ये जो आदमी है, संबंधित व्यक्ति जो इसमें दिख रहा है, यही तोता है, तोताराम है। अब प्रश्न उठता है, आपने आसपास वाले नाप दिए, किस अपराध में नापे? अगर इसी अपराध में नापे तो जो मुख्य खलनायक है, मुख्य आरोपी है, जिसको नाम दर्ज रिपोर्ट कराई है, वो आदमी आपके यहां जलेबी कैसे खा रहा है मंचों पर? जैन साहब, इकबाल कहां है भाई? देखिए अमिताभ जी जी, कि आरओ ने अपनी रिपोर्ट लगाई और जो है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि ये वही आदमी है, लेकिन जो बात, जो जिनको अभियुक्त बनाया जा रहा है, जिनके नाम एफआईआर है, अगर वो अपने उसमें अपनी बात रख रहे हैं कि हमसे मिलता जुलता आदमी भी दूसरा कोई हो सकता है। जैन साहब, आप वकील हो ना, आप वकील हो ना, मैं क्रिमिनल नहीं, आप वकील हो, आप वकील हो ना, बात सुन ली है ना, ना, पहले बताओ वकील हो ना, अरे सुन तो लो एक मिनट, मालिक आप वकील हो ना जी, जी आपको ये बात पता नहीं कि कलेक्टर की बात प्रामाणिक है या दरोगा की बात प्रामाणिक है? किसकी बात प्रामाणिक मानी चाहिए अमिताभ जी, नहीं, किसकी बात प्रामाणिक मानी जानी चाहिए अमिताभ जी? आप तो कलेक्टर और अपराधी है ना। अच्छा बात है भाई, उस पे जहाँ चल रही है। दूसरी बात ये है कि मैं दरोगा जांच करेगा हूँ कि जो सत्यवेद सिन्हा के हम शक्ल संसदों में मतलब पहुंच गए, उनकी किसी ने जांच नहीं की। दूसरा भी हो सकता है जैन साहब, एक उन्होंने ये बात रखी है, तो जांच में सामने आ जाएगा, बिल्कुल कार्रवाई होगी। ठीक, आप बड़ी अच्छी बात कही आपने, आपको मुबारक है ना, ऐसी जांच 17 तक कराते रहिए, भगवान करेगा बड़ा अच्छा परिणाम आएगा। पाठक जी, जहां तक मेरी छोटी बुद्धि कहती, जैन साहब ज्यादा जानते होंगे, मैं तो कोई चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव देखे हैं दूर से, आप लोग तो चुनाव लड़ते लड़ाते हो। इलेक्शन से संबंधित मसलों में आरओ की रिपोर्ट अंतिम होती है, ऐसी व्यवस्था है, ठीक है ना? आरओ ने जब पुष्टि कर दी कि यही आदमी तोताराम है जो छाप रहा है वोट, अब उस आरओ के वर्जन के खिलाफ तोताराम का वर्जन आया तो अब उसकी जांच दरोगा करेगा? ये तो सत्ता का जो हायरार्की है वो ही पलट गई। पाठक जी, अमिताभ जी, आप इसको सामान्य घटना की तरह क्यों ले रहे हैं? राज्य में जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उसमें संदेश भी देना है, और संदेश स्पष्ट है कि जो जिन चरणों के चुनाव हो चुके हैं, जिन चरणों के चुनाव होने हैं, उनमें यह तब है जब घोषित तौर पर राज्य में समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। संदेश देना है कि आप चाहे जो करो, और एटा में इनके एक नेता ने संदेश दिया ना कि आचार संहिता कितने दिन रहेगी, तुमको सीओ की नौकरी करनी है, मुझको भी यही रहना है, छेड़खानी विधायक रहूंगा,
लेकिन उसके बाद भी वो जेल गया। कर दूंगा वो लड़का जेल गया जैन साहब। जैन साहब, तो जो परिस्थितियां हैं उसमें संदेश समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तोताराम के बहाने मीडिया और प्रतिपक्ष जहां पंचायत चुनावों की में धांधलियों को उजागर कर रहा है, वहीं राज्य की समाजवादी पार्टी का नेतृत्व उन्हें प्रशस्ति देकर इसीलिए तो संदेश देने की उड़ रहा है। ठीक, सुरेंद्र जी संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि तोता इसी तरह उड़ेगा, आग दिलाते रहिए। सुरेंद्र जी मुझे बताइए, एक आइडेंटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं अपन, है ना। आपने एक कोई प्रतिवाद दिया कलेक्ट्रेट में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ ने उस पर एक स्थिति आदेश कर दिया, ठीक, कि भाई ये जमीन सुरेंद्र राजपूत की है ना। अब एक्स मिस्टर एक्स ने कहा कि जी सुरेंद्र राजपूत की नहीं है, तो उसकी जांच पटवारी को दे दी जाएगी क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद? अमिताभ जी, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो जरूर दे। ऐसा मैंने नहीं सुना कभी शासन में, कभी नहीं सुना। तो सुन लीजिए ना आपने, तो अभी क्या देखा है? अभी तो और सब चीजें, उत्तर प्रदेश है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है चाहे ढाबा मैनपुरी को। मैं तो फिर से कह रहा हूं कि तोताराम जी इंडिस्पेंसिबल है इस समय सत्ता के एटा इटावा मैनपुरी के खेल के लिए। इसी वजह से इतना दबाव होने के बाद शासन प्रशासन में उन्हीं का डीएम है मैनपुरी में, उस डीएम ने आरओ के रूप में जिसके खिलाफ एफआईआर की है, वो पैक्स फेड के भवन के उद्घाटन के समय तीसरे नंबर की कुर्सी पर बैठा है। श्री शिवपाल यादव जी ने एक जबरदस्ती कुर्सी एसआरएस साहब की लगवा ली वहां। आप इस चीज को देखिए, आज आपके आप में पीछे नहीं खड़े हुए गायत्री, आई एम सॉरी, नहीं पर बैठे हुए रहेंगे। कानून से वांटेड आदमी भागे हुए थोड़े है वो, एग्जैक्टली कानून से वांटेड है वो आदमी। अगर वो अगर सारे गनर सस्पेंड हुए हैं, प्रशासन सस्पेंड हुआ है, तो कानून से वांटेड है वो आदमी। जैन साहब सेल्फ कॉन्फिडेंस एक मासूम सवाल, जैन साहब, जैन साहब अरे सुनो भाई, हुई जैन साहब गनर क्यों हटाया गया? हो गई गनर क्यों हटाया गया? तोताराम जी का गनर क्यों सस्पेंड हुआ? सुनो भाई एक सेकंड, सुरेंद्र भाई एक मिनट जैन साहब एक मासूम सा सवाल। दो तीन बातें उठती, पहले तो जहां मतदान होता है वहां किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र वाला प्रहरी नहीं जाएगा साथ, ठीक, कितना भी बड़ा आदमी जाए, ठीक। भारत का राष्ट्रपति भी दिल्ली में जब वोट डालने जाता है तो भीतर नहीं है, तो उसके साथ वो घोड़सवार नहीं जाते जो 26 जनवरी पे चलते हैं। ऐसा तो नहीं कि घोड़े भी घुस गए अंदर, बोले प्रधानमंत्री भी सामान्य वोट डालते हैं, सोनिया जी भी वैसे डालती हैं वोट, अडवाणी जी भी मुझे एनएससी प्रोटेक्टिंग है वैसे वोट डालते हैं, ठीक। ये तोता के साथ ये कैसे घुस गए बवाली साहब? एक, और दूसरा अगर कुछ हुआ ही नहीं, सब मोहब्बत का खेल है, तो ये 9 लोग नप क्यों गए? ये क्या इसलिए, मैं बता दूं, आप नहीं बता पाओगे, आपको नौकरी का खतरा है, मैं बता दूं ये क्यों नप गए, प्रदेश जान ले, ये इसलिए नहीं नपे, ये मालूम क्यों नप गए? सुरेंद्र जी, आप और विजय भाई के संज्ञान के लिए, ये इसलिए नप गए, कहा गया कि भाई तुम लोग ड्यूटी करने लायक नहीं हो। बोले हुजूर क्यों, हमने तो तोताराम की हिफाजत की, वोट छापते समय भी इनका कोई कुर्ता धोती नहीं खींचा, नहीं तो लड़के खींच सकते थे दूसरी पार्टी के, हमने इनको सुरक्षित रखा। बोले नहीं, वीडियो कैसे बन गया तुम लोगों के रहते जी, इसलिए सस्पेंड हो गया, जान लीजिए वजह। मैंने बड़ी पड़ताल की कि भाई क्यों हटा दिए, तो एक इन्हीं के शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने व्यक्तिगत तौर पर, मैं नाम में लूंगा, उनका नुकसान हो जाएगा, तोता का तो कुछ नहीं होगा, वो उन्होंने नप जाएंगे गरीब, उन्होंने मुझसे कहा मित्र जी इसलिए हटाना पड़ा भाई, ये दबाव था कि इनके लोगों के रहते वीडियो कैसे बन गया, या तो इन्होंने बनाया या इन्होंने बनने दिया। मसला ये पड़ताल इसी की हो रही है कि वीडियो किसने बनाया, मसला ये नहीं कि तोता को ढूंढो, मसला ये है कि तोता के इस कांड को वीडियो में किसने कैप्चर किया, उसकी गर्दन पकड़ो कि हमारे अपराध को, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे अपराध को कैप्चर करोगे, फिर दुनिया को दिखाओगे, समाचार प्रेस को दोगे, फिर चलवाओगे। देखिए तोताराम जी से यहीं पर बहस हुई थी, गायत्री उस बहस में शामिल थी। तोताराम जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि भाई 13 तारीख को वीडियो और 16 तारीख को एयर हो रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा 13 से 16 तक वो वीडियो क्या कर रहा था। तो मैंने तोताराम जी से कहा कि अगर तोताराम जी आप नहीं है तो आप मानहानि का मुकदमा आप डीएम के खिलाफ क्यों नहीं करते?
कहने डीएम साहब तो ठीक काम कर रहे हैं। ये तोताराम जी ने आधिकारिक वर्जन दिया था, गायत्री उसकी गवाह है, गायत्री एंकरिंग कर रही थी प्रोग्राम की। वो किसी भी सूरत में वो शख्स प्रशासन के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था, कह रहे थे मैं नहीं हूं, और मैं हूं नहीं हूं, और लेकिन डीएम अच्छा काम कर रहा है। आपकी स्थिति तोताराम जी की बड़ी विकट स्थिति थी। हमने कहा कि भाई आप राज्य मंत्री करने में चुना हुआ, मैंने कहा बिल्कुल मान लिया मैंने, आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते जो आपके खिलाफ कह रहे हैं, और अगर आप चैनल पे ही कह दें कि मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा, तो मैंने कहा मैं मान लूंगा। नहीं कह सकते, कोई जवाब नहीं था, नहीं कह भी नहीं सकते। जैन साहब ये बात तो अच्छी है, तोताराम ना सही, आप ही मुकदमा कर दो तोताराम के बिहाफ पे 5 करोड़ का मानहानि का, कि उनकी प्रतिष्ठा बिल्कुल, और जैन साहब तो वकील भी है पूरे देश में, उनकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़। जैन साहब कल सुबह सुबह कर दो 5 करोड़ का मुकदमा। जब तक जांच लंबित है, जब तक जांच लोगों की जांच क्यों नहीं की गई जैन साहब, उनको तो आपने सस्पेंड कर दिया। मैं तो नहीं बता सकता, मैं बता रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है जैन साहब, समय नहीं है। एक लाइन में बताइए ये 9 लोग क्यों हटा दिए, एक लाइन में सिर्फ। मैं वही बता रहा हूँ, 9 लोग इसलिए हटाए गए क्योंकि वहां बूथ कैप्चरिंग तो हुई, लेकिन वहां पे तो राम के गनर को क्यों हटाया गया आप ये बता दीजिए, पहुंचा इसलिए उसको हटाया गया। तो तोताराम के कैसे वहां पे बात, तो मतलब जैन साहब वकील है और इनकार किया कि गनर वहां पहुंचा, बिना मंत्री के गनर पहुंचा गया। हमारी वकील की तरह जिरह कर रहे हैं, मीडिया ने बताया ना। नहीं जैन साहब बहुत अच्छे आदमी है, कितना झूठ बोले जा रहे हैं। जैन साहब आप मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन फंस गए दोस्त। बिना जिस जो प्रोटेक्टी है उसका स्टाफ, उसका सिक्योरिटी कवर उसी के साथ मूव करता है, ये ब्लू बुक का पहला सिद्धांत है। ठीक, बिना तोता के ये मैना कहां चली गई, ठीक अंदर, ऐसा संभव नहीं। और अगर गनर सस्पेंड हुआ इसका मतलब तोताराम का इन्वॉल्वमेंट है। और तीसरी बात, आपका करीबी, व्यवहारिक बात कर रहा हूं, कानूनी नहीं, व्यवहारिक, आपका दुलरुआ है डीएम वहां का, पता है ना कैसे अपॉइंट हुआ, जानते हैं ना, मैनपुरी इटावा का डीएम सुरेंद्र राजपूत के कहने से तो कोई बन नहीं सकता, न चीफ सेक्रेटरी कहने से बन सकता, आपको पता ही कैसे बनता है, घर का डीएम, आपके घर का डीएम, उसने कैसे लिख के दिया कि तोताराम है, क्या डीएम मैनपुरी मैंने नहीं पहचानता तोताराम को, इतनी महान शख्सियत उस इलाके की, बच्चा बन जा, बच्चा जानता कि यही है तोता, जानता है ना, बहुत लोकप्रिय है वो। और अगर आपका सब जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, चुनाव का सबसे बड़ा प्रभारी ये कह रहा है कि हां यही आदमी है, तो उसकी बात पर भी आपको भरोसा नहीं, आप किसी ननकू राम चौधरी ननकू राम टाइप के दरोगा से जांच कराओगे है, और उससे कान में कहोगे कि बेटा ये लिख दो जल्दी से कि तोता नहीं थे ये मैना थे, है ना, क्या कराना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात पर भरोसा क्यों नहीं आपको, एक प्रश्न। दूसरा, अधिकारी और कर्मचारी और सिपाही और होमगार्ड सस्पेंड कर ही जा रहे हो आप, इसका राजनीतिक संदेश क्या जा रहा है, ये छोटे लोग हैं इसलिए इनकी गर्दन सस्ती है, आदमी बड़ा है तो उसकी गर्दन महत्वपूर्ण है, उसको संरक्षित किया जाएगा, बचाया जाएगा, कानून का मखौल उड़ाया जाएगा, इन सब चीजों से मान घटता है, मर्यादा टूटती है। जैन साहब मैं फिर कह रहा हूं, यह पार्टी तोताओं के भरोसे नहीं बनी थी, यह मुलायम सिंह यादव ने बनाई है पार्टी, क्या तोताराम इसके फाउंडर है, तोताराम जी की त्याग तपस्या की कोई संघर्ष की कहानी है आपको याद, नहीं ना, जब आप उस पार्टी में हो आप ही को नहीं मालूम तो दुनिया के बाकी क्या मालूम होगा, हां वो एक होटल जरूर बनवा रहे हैं मैनपुरी में, ये और ये है, किसी बात कर रहे हैं आप, पूरी पार्टी की छवि दांव पर लगा रहे हैं, सरकार की छवि दांव पर लगा रहे हैं, एक आदमी को बचाने के लिए जो बूथ कैप्टन करने लगा, उस आदमी को ही समझ नहीं आया कि मैं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हूं और मैं इतना घृणित काम कर रहा हूं, कानून का ऐसी उल्लंघन कर रहा हूं, अवहेलना कर रहा हूं, और आप छोटों को मार के सजा देना चाह मैसेज देना चाहते, नहीं, लोग जांच पर भरोसा नहीं करेंगे आपकी, ये दरोगा और सिपाही से जांच करा के आप क्या साबित करना चाहते हैं, लोगों को पता नहीं वहां जांचें कैसे होती हैं जिलों में, पता है ना, और आपको भी पता है, ये केवल हम ही को नहीं पता, आपको हमसे बेहतर पता है कि जांच कैसे होती है,
जांच अधिकारी भी आपका, कलम भी आपकी, कागज भी आपका, चाहे जो लिखा लीजिए। विजय बहादुर पाठक थे, बूथ कैप्चरिंग में बूथ के अंदर, यह भी लिख सकता दरोगा। बाद में कोर्ट में उसकी नौकरी जाएगी, लेकिन वो आपके कहने से लिख तो दे गई। विजय जी गलत तो नहीं था, दरोगा लिख देगा, सुरेंद्र राजपूत का नाम लिखा दीजिए, चाहे जिसका लिखा दीजिए, आप हाकिम में। लेकिन जनता भरोसा नहीं करती, जान लीजिए। तोताराम यादव ने गलती की है, उनको कानून के आगे झुकना चाहिए, और वो नहीं झुके तो उनकी गर्दन पकड़ के सत्ता को झुकाना चाहिए। शासन कानून का है, तोताराम का नहीं। मैं इसलिए बहस लेके आया, मुझे लगा कि छोटी तनख्वाह वाले गरीब लोग मार दिए गए एक बड़े आदमी को बचाने के लिए। यह अन्याय है, उस पाप से ज्यादा बड़ा पाप आपने फिर कर दिया इन छोटे लोगों को मारकर। गनर का क्या लेना देना भाई बूथ कैप्चरिंग में? जिसके साथ वो सिक्योरिटी में, उसने कहा चलो अंदर, वो चला गया। उसने कहा मेरे पीछे खड़े रहो, मैं ये काम करूंगा, कोई मुझे मारे नहीं, वो खड़ा हो गया। ये तो उसकी ड्यूटी है, लीगली ड्यूटी है यही। आपने उनको नाप दिया। विजय भाई बता रहे होमगार्ड को भी चिट्ठी लिख दी, बताइए होमगार्ड तक चले गए आप, लेकिन तोताराम जी नहीं दिख रहे। तोताराम जी को देखिए, जाती हुई प्रतिष्ठा को थामिए। चुनाव की मर्यादा रहनी चाहिए, जीत हार तो होती रहती है। और मैं मुलायम सिंह जी के एक उदाहरण को दूंगा समाप्त करते समय। विजय भाई को याद होगा, सुरेंद्र जी को याद होगा, और जैन साहब अगर याद रखना चाहेंगे तो जरूर याद होगा इनको। मुलायम सिंह जी ने कहा था पार्टी की बैठक में, पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, जोर जबरदस्ती से चुनाव जीतने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो विधानसभा के चुनाव में मुंह के बल गिरोगे। ये कहा था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और बिल्कुल सच कहा था, बिल्कुल सच कहा था। यही मैं भी मानता हूं, पंचायत की जोर जबरदस्ती विधानसभा में नुकसान पहुंचाएगी, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय जी आपका, सुरेंद्र जी आपका, जैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। अमिताभ जी बने रहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक।